हेलो एंड वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इंडियन स्टाइल में चीजी मैक्रोनी। इसके लिए मैंने दो कप पानी में एक कप मैक्रोनी बॉईल कर लिए है। अब इसमें बॉईल आ गया है। मैक्रोनी की तैयारी के लिए हम लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, नमक, ऑरिगेनो और मस्टर्ड सीड, टमाटर, चीज़ और धनिया पत्ती। अब हम मैक्रोनी के लिए एक पैन में या कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। इसमें मैं थोड़ी सी मस्टर्ड सीड डालूंगी यानी पी राई। इस राई को हमें हल्का सा चटकने देना है जिसे अच्छे से हो जाए कच्ची नाई। ये हो गई है तो मैं इसमें ना टमाटर, ब्लैक पेपर, ऑरिगैनो और उसके बाद नमक डालकर तैयार करती हूँ। अब मैक्रोनी तैयार है, मैं इसे अपने टमाटर में ऐड कर देती हूँ। ये काफ़ी अच्छी सी बनने वाली है। यदि आप मैक्रोनी अच्छी बनाना चाहते हैं तो मैक्रोनी को बॉईल करते टाइम उसमें से थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल बॉईल करने में डाल दीजिए तो आपकी मैक्रोनी और भी अच्छी बॉईल होगी। यस, इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें अपनी चीज़ ऐड करती हूँ। एकदम गरम गरम है तो चीज़ इसमें जाते ही मेल्ट हो रही है। अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गई है। चीज़ डालने से इसमें व्हाइट सॉस का फ्लेवर भी आएगा जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। और हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं तो ये एकदम इंडियन स्टाइल की है। जैसे व्हाइट सॉस की तरह आपकी गैस को थोड़ा धीमा ही रखिए। अब इसमें अपना धनिया पत्ता सटा दीजिए जो हमने बड़े पीस काट के रखा है। एक चम्मच टमाटो सॉस ऐड कर रही हूँ। ये बच्चों को टमाटो सॉस बहुत पसंद होती है, इसका अच्छा सा फ्लेवर भी आता है। बस अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये रेडी है। अब मैं इसको चीज़ के साथ गार्निश करूँगी और गरम गरम मैक्रोनी की चीज़ मेल्ट होने लगेगी, चीज़ अंदर तक पहुँच जाएगी। चीजी टमाटो मैक्रोनी तैयार है। क्या आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं?